तो फ्रेंड जैसे कि आप पूजा को देख सकते हैं इस टाइम पे लेटे हुए, इस टाइम पूजा आराम नहीं कर रही है, इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए मजबूरी में लेटी हुई है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, पीहू की और परी की तबीयत ख़राब थी, हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो फ़िलहाल आपकी दुआ से वो सब तो ठीक है, बट हाँ पूजा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। परसों रात को पूजा को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसके वजह से हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने वहाँ पे 2 इंजेक्शन लगाए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे हमारे लिए गुड नहीं है क्योंकि कल पूजा की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए कल वीडियो नहीं डल पाई। कल रात को डॉक्टर के पास लेके गए थे, 2 इंजेक्शन लगाने पड़े। पूजा को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कुछ खाए बगैर गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी डॉक्टर के पास लेके जा रही है। पहले एक ऐसी नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास लेके गए थे क्योंकि उस टाइम पे मैं घर से ऑफिस से आया नहीं था। अभी हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भटनागर जी है, उनके पास लेके जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है बेचारे, अभी अभी मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रखी थी, अब इसकी भी हो गई। तो चलो चलते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। तो गाइस अब पूजा को हमने दिखा दिया भटनागर हेल्थ केयर पे, चलो मेडिसिन लेते हैं। हेलो, इन्होंने दवाई ले ली है केमिस्ट से और हम घर जा रहे हैं, तो चलो घर चलते हैं पहले, फिर मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इंसान को, जिसे हम जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं बुखार में, मुझे कैसा लग रहा है खाना? वैसे भी आज सबको पता है जब कोल्ड होता है ना और साथ में फीवर, तो खाना अच्छा लगता ही नहीं है। देख सकते हो पूजा खा रही है क्या, तुझे क्या खा रही हो? पनीर और लौकी की भुजिया। खाओ खाओ जल्दी से ठीक हो।